우와, 뭘, 뭘. 우와. 이 드라마 아니야, 선. 이거 리모라 이렇게. 빛에 걸어, 빛에 걸어, 빛에 걸어. 왜, 네, 이렇게 아까 이렇게 아까 이렇게. अस्सलाम वालेकुम खातिनों हज़रात, मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वो क्यों आगा। आज हम एक ऐसी लोकेशन के ऊपर आए हैं जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि इस जगह पर एक चुड़ैल नज़र आती है और उस चुड़ैल का नाम ये है कि वो एक दुल्हन है और दुल्हन तकरीबन आज से कहते हैं 10-15 साल पहले इस रोड से ये बारात जा रही थी तो डाकुओं ने बारात को भी लूटा और उसके बाद जो है दुल्हन को जो है वो उठा के ले गए। उसके बाद पता नहीं चला ये दुल्हन कहाँ गई। ये सिर्फ़ एक हमें शॉर्ट सी स्टोरी यहाँ पर पता चली है इस इलाके से। तो इस रोड को तो अब तकरीबन कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि रात के वक्त जब वो यहाँ से गुज़रते हैं उनको दुल्हन नज़र आती है, मुकम्मल तौर पर सजी सवरी होती है और उसके पाँव उल्टे होते हैं। अब वला आलम वो कौन सी चुड़ैल है, किसने देखी है, कहाँ पर देखी है। हमने तो ये सिर्फ वीडियोस में लोगों की व्हाट्सएप पर उन्होंने हमें अपनी वीडियोस बना के भेजा, वीडियो मैसेज में ये बताया कि उन्हें यहाँ पे चुड़ैल नज़र आई है। तो आए आगे देखते हैं कि दिन के वक्त ये जगह कैसी लगती है। दिन के वक्त तो यहाँ का जो सन्नाटा है वो बड़ा ही अजीब सा है, बिल्कुल खामोशी है और सड़क तो काफ़ी दूर तक जा रही है। तो वो पीछे इधर दिखाएं, इधर हमारी गाड़ी वो पीछे खड़ी हुई है ये है। तो बाकी लोग तो हैं वो अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, हम तब तक दिन की वीडियो को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। सूरत हाल गाइस यही है कि यहाँ पर कोई लड़की नज़र आती है दुल्हन के लिबास में। अब पता नहीं वो दुल्हन है या लड़की है या कोई चुड़ैल है। आगे जंगल है, इस जंगल की जानिब चलते हैं। कोई गांव बताया जाता है, आगे कोई गांव है और उस गांव से रास्ता लगता है ये, और ये रास्ता अब तकरीबन इस्तेमाल ही नहीं होता। बड़े खौफनाक है यार सीन। तो आखिर क्या हो सकता है इस जगह पर जो लोग कह रहे हैं। अंदर चलें, चलें जी आगे। यार यहाँ पर तो बड़ा सन्नाटा है, सन्नाटे में तो डर लग रहा है भाई जी। कोई है? कोई है क्या इधर? यार सन्नाटा तो बहुत ज्यादा। हाँ दिन के वक्त भी यहाँ पे है कोई नहीं। दिन के वक्त तो चलो कोई जानवर को तो होना चाहिए ना, दिन के वक्त भी कोई नहीं है। चलो ये वकास है और मैं हूँ। कोई है इधर? क्या हुआ? जानवर कोई
हॉन्टी तो लग ही रही है जगह। सही थी किस तरफ गई? ये किसकी बात है? हैं? जैसे किसी ने चीख मारी हो। इधर करना कैमरा तेरा। भाई खौफ तो है यहाँ पे ना। मैं आगे सारे आएंगे ना तो फिर जाएंगे, अकेले जाने का फायदा कोई नहीं अभी। अच्छा कुछ घर भी यहाँ पर हैं दूर दूर, वो है लेकिन ये घर मेरे ख्याल से बंद है, क्वार्टर टाइप है जो जंगलों में बने हुए होते हैं। इस तरफ चलते हैं। मैं हमेशा दो कैमरे इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि शायद हमें एक कैमरे में नहीं तो दूसरे में साइन मिल जाए। रोड ही बड़ा यार खतरनाक टाइप लग रहा है, बिल्कुल वीरान बियाबान सन्नाटा। आपने देखा कि अंदर कितना ज़्यादा खौफ था यार, बहुत ही ज़्यादा खौफ था अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डर लग रहा है फिर अंदर से फुल टाइम। मुझे भी उधर से ही आया खौफ कि ऐसा लग रहा था कि ना वहाँ पे कोई चीज़ है। इस साइड पे नहीं, वो जैसे ही आगे जाते हैं ना उधर से खौफ आना शुरू हो जाता है। चलो फिर आगे जरा इधर देखते हैं क्या है, क्या सीन है, क्योंकि खौफ की अलामत। रोड पूरा खाली है, हम तकरीबन आधा घंटा हो गया इस जगह पर खड़े हैं लेकिन यहाँ पर अब तक कोई बाइक तक साइकिल वाला नहीं गुजरा। आबादी आप वो देख सकते हैं, दूर दूर तक आबादी आपको नज़र आ रही होगी लेकिन यहाँ से गुज़र कोई नहीं रहा। इसके अंदर जंगल के अंदर से हम अभी, लेकिन मैं ख़ुद बाहर आ गया क्योंकि मैं यहाँ से डर। हम जब पहले भी आए तो कवे बोलने लग गए थे, ये आप सीन देखें कि कितने कवे यहाँ से आवाज़ें कर रहे हैं, हमारे आते ही कवे बोलना शुरू हो गए थे। आबादी आपको नज़र आ रही है जी, दूर दूर तक है लेकिन सड़क का इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक ये रास्ता नज़र आ रहा है हमें, गाड़ी से हम बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं। तो फिलहाल तो ये रास्ता अंदर जाने का हम नहीं जा रहे, हम इंशाल्लाह रात को आते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिलता है या नहीं। तो अभी तो अंदर जाने के कोई भी मतलब मैं रवादार नहीं है, लेकिन कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आई अंदर से, लेकिन खौफ है अभी तक कुछ यहाँ पे जाहिर नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ खौफ है। लेकिन हम रात को आएंगे, हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी दुल्हन है जो यहाँ पर लोगों को नज़र आती है। तब तक आप देखिए वो क्या होगा।